सर आप वो जो पटना में आप दायर किए थे तो उस पर कुछ सुनवाई हुआ है क्या? हाँ, सुनवाई हुआ है उसको। आपको वापस नहीं भेजे हैं? नहीं, आप कहाँ भेजे हैं? उस पर सुनवाई हुआ है, हम लोग के फेवर में हुआ है। हाँ तो बताइए ना उसके बारे में कुछ डिटेल। आप बताते हैं, आप इस समय बताए नहीं, पता नहीं क्या। ना, उसमें इसमें यही डिसीजन दिया गया है, जो जी CWJC 11,550 के तहत जी 2016 में ये लोग जो केस वो किए थे, उसमें जी ये डिसीजन हुआ था। जो ये लोग प्रशिक्षित है, जी उसके बावजूद जो है ये लोग को स्पेशल बहाली की जनगणना के लिए पंचायत स्तर पर वो की गई थी। जी ये योजना केंद्रीय कृत योजना थी। जी उसके बावजूद जब जातीय जनगणना का काम आया और सातवीं आर्थिक जनगणना का काम आया, तो ये लोग को अधिकार से अलग कर दिया गया। जी वो जबकि गैर शिक्षक को लगाना यानी कि नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। ये जी लोग का एज एक्सपायर हो चुका है, जी और जो है नए आदमी को जातीय जनगणना में लगाया जाएगा, तो इससे बेटर तो ये लोग है, प्रशिक्षित है, काम भी बेटर वो करके दे सकता है। जी वही डिसीजन को यानी कि ये किया है, जो ये लोग पर अगर इसको इंडिकेट किया है, तो ये सरकार रुकिए, राहुल जी हम के बता रहे हैं। मुख्य सचिव को, जो इस पर तो विचार किया जाए, ये लोग प्रशिक्षित है। अच्छा ठीक है सर, मतलब ये जो योगदान है इसमें सबसे ज्यादा योगदान आप ही का है। देखिए, इसमें योगदान रुकिए मेरा है, दरभंगा के आपको रजी आलम जी है, आपको जी विजय जी है, रोहतास के आपको रजनीकांत है, वो आपको मोतिहारी के नवीन जी है, जी मनोज जी है, वो निसार भाई है, बहुत सारे, हरे अनमोल जी पूर्णिया के है, सभी आदमी हम मेरा वो साथ दिए थे जातीय जनगणना का, जो हम लोग वो केस दायर किए थे। ये लोग भी सहयोग प्रदान किए थे, और हमेशा कदम में कदम अच्छा मिला के वो चलने का काम कर रहे हैं मेरे साथ। सर, कोई एक बोल मिनट रहा है मेरी पीछे बात से। सुनिए। हेलो, जी बोलिए। नमस्ते भैया। हाँ सर नमस्कार, आलम जी अरे नमस्कार। आलम जी बोल रहे हैं, कैसे हैं, क्या हाल चाल है? हाँ सर ठीक है, आपको कैसे ये भूल दूसरे सकते हैं। पार्क में जो दोनों भाई मिले थे, तो हाँ हम भी दिए थे अपना चाहिए। कहने हाँ सर बोलिए का अर्थ ये है, जी जो 2016 में जो हम लोगों का फाइनल निरस्त किया था, जी तो जी हम लोग केस जो किए थे, तो उसमें ज्योति करण जज बाबू जो थे, जो जी सीनियर जज थे, उसने किया था क्या, जी सर, जजमेंट एक दिया सर था एक हम लोगों एक के फेवर सर में, सर जो जो हम लोग पटना में मिले थे, जब उसी समय जो दायर हुआ था उसी का मतलब रिजल्ट हमें मिला है ना। जी, यस, हाँ, वही उसी है। का रिजल्ट आया है। चलिए अच्छा, ठीक है उसमें सर क्या था, उसमें जी क्या था सर, जो 2016 में ज्योति शरण बाबू कहे थे, जो इन लोगों को जो कोर्ट के दायरे में 11,550 हैं, वो जी प्रशिक्षित घोषित किए जा रहे हैं, जी और जनगणना से रिलेटेड जो भी वर्क आएगा जी इन्हीं लोगों के द्वारा करवाया जाए, ये बिहार सरकार पर सौंप दिया था। जी और जो बिहार सरकार हमको यहाँ कोर्ट में, ललित किशोर बाबू गए तो जी जजमेंट में, वहाँ जो कोर्ट में इनको बुलाया, तो कोर्ट में क्या कहते हैं, जो हमारा काम था 1 साल का, जनगणना खत्म हो गया, हम हटा दिए, तो जी अभी जातीय जनगणना करने आए हैं, तो जी हम लोग को प्रशिक्षित घोषित है, तो वो हम लोगों को लिया जाए। जी वही हाँ चीज अभी किसको कहा है, यदि इन लोगों को नहीं लीजिएगा तो आपके गैर कानूनी होगी ये हाँ कार्रवाई होगी। तो उसी चीज को बताया गया, उन्हें क्लियर करके, जो इन जी लोगों को, ये लोग प्रशिक्षित है, इसे एकदम अनसुनी नहीं करना है, इसी कीमत में इन लोगों को या तो समायोजन कर दीजिए, या कहीं आप जो वर्क लिए हैं ये जनगणना में इन लोगों को शामिल कीजिए। जी सर, जब तो जज साहब बोल दिए तो होगा ही कुछ ना कुछ। ये अच्छा कुछ ना कुछ उसका जो होगा, आया है वो आपको हम भेज देते हैं सर। और जी राहुल जी हैं मेन, मतलब अध्यक्ष राहुल जी हैं, राहुल जी के नेतृत्व में यही केस करता है, राहुल जो आवेदन करता है, जी बाकी हम लोग उनके साथ हैं, हाँ राहुल उनके जी साथ हमको तो उनको मैं भी गया था समर्थन पटना में, आप भी थे, मैं भी था, बहुत सारे लोग थे। नहीं, हम ही हाँ ना, हम ही तो सारा मेंटेनेंस किए थे, अच्छा दिए थे, लड़ाई जी हाँ। जिंदा और रहते सर हैं, बोले बोलिए। तो हम किया था। और सर बस मतलब यही लोग पूछ रहे हैं कि क्या हुआ क्या, और लोग बता रहे हैं अपने अपने विचार, मगर आप डायरेक्ट बोल रहे हैं ना। तो जी अब रिक्वेस्ट आपसे सर एक ही चीज है, जो जी इनको प्रेशर बनाकर, इनको प्रेशर बना के मीडिया में हाइलाइटेड करके हम लोग जी काम दिलवाया जाए, बस जी ठीक है सर, मैं तो हाईलाइट करते ही रहता हूँ।
मगर ये लोग इतना यूट्यूबर बन गए ना सर कि मैं अब सांख्यिकी के पे अरे वीडियो बनाना छोड़ यूट्यूबर दिए हैं। इतना बन गया है, गलत सलत इतना चैनल बन गया। मत मनोजवा अरे का चैनल नहीं दीजिएगा, मनोजवा संजय ये फ्रॉड सब है सब, खाली 2 दिन 3 दिन करते करते 4 साल गुजर गया। सर मेरा चैनल हाँ चेक इतना कीजिए, कुछ उनका एक किया भी वीडियो नहीं मिलेगा। अभी जब कोर्ट से ऑर्डर आ गया तो सारे अब अपना अपना मतलब वो कर रहे हैं, अपना अपना नाम ले रहे हैं। अपना अपना नाम ले रहा है, जबकि हाँ कोर्ट के आदेश में अमित, राहुल और निशार, विजय, मनोज जी, यही सब है। हाँ आप ही लोग हैं सर, हाँ इसमें तो कोई शक नहीं है। जी हम कितना अमीर का नाम बोले जी हैं, यही है बात, समझे? यही बात सर। और सब सर और सब ठीक है सर। तो मतलब जो जो CWJC में है उनका मतलब समझिए कि लाइफ सेट होने वाला है। जी ना जी सर, हाँ हम लोग मेन है जी ना, ऐसा है सर, हम लोग मेन जो है दिसंबर पर इंतजार करते हैं, ठीक है। जी ये तो कोर्ट का डिसीजन जो आया वो तो एक कॉपी प्रधान सचिव के पास, एक कॉपी मुख्य सचिव के पास, और सीतामढ़ी जिला और जिला संघीय पदाधिकारी के पास वो चला गया है। जी हम लोग दिसंबर पर इंतजार करते हैं जो सरकार इस पर क्या पहल करती जी है। अरे चला गया होगा या नहीं गया होगा उससे मतलब नहीं है, और आपको दिसंबर स्थिति के बाद एक अगर एक नहीं करती है ना सरकार सर, तो जी हम लोग 1 जनवरी से जो है सांख्यिकी जी अधिकार यात्रा और जातीय जनगणना विरोध यात्रा निकालेंगे। ये हम जी लोग का और 300 जिला में अभियान चलेगा। आलम जी कुछ बोल रहे हैं। स्पेशली अपने स्तर से सबको भेज दीजिए, ताकि मान लीजिए गवर्नमेंट नहीं भेजा हो, रोके हुआ हो, डिले होता है, सरकारी काम है, तो आपको ये नहीं मालूम चले उन लोगों को कि हमको नहीं भेजा। जी निसार भाई भी लाइने पे आ गए, हाँ लीजिए निसार उनको भी। वही भाई आ गए जी। बात सब अच्छा सर, ये जो आप लोग से बात हो रहा है इसका अंश मैं डाल सकता हूँ यूट्यूब पे? ठीक हाँ एकदम डालिए सर, कोई दिक्कत नहीं है है, डालिए सर, डालिए मैं कुछ भी करता डालिए, पूछ एकदम के ही आसान करता है, हूँ। चलो समझेगा, जी डालिएगा। राहुल जी, आलम जी का दीजिएगा, राहुल जी, आलम जी, मनोज जी, इस सबका नाम डाल दीजिएगा। जी बोलिए, हाँ वो अगर तो सब एक बार हम लोग को लास्ट आप लोग दिया बोल जाता है। दीजिए मैं उसको रिकॉर्ड कर लूँ। हाँ आलम जी, हाँ बोलिए ना, नाम 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 बोल दीजिए। लाइन पे है, रुक जाइए, अभी प्रेस है लाइन पे। अच्छा हाँ जो अपने लोग थे वो वीर कुमार सिंह पार्क में, वही सर आए हुए हैं, विमान जी वाले जी जी। राहुल सर, जी हाँ बोलिए। ना सर, आप हैं कि कट गए लाइन पे? ना मैं लाइन पे हूँ, बोलिए सर। लाइने पे है निशान भाई, तो जी कहीं है जो वीर कुमार सिंह पार्क में नहीं आए थे? अरे जी कितना प्रेस करके तो बेचारे आए, हमने उनका तोला देने, यार बहुत मैं इन्हीं का शुक्रगुजार यूट्यूब हूँ पर उनका। हाईलाइट और मामला हुआ है हम लोग का। मैं मैं सर सांख्यिकी जी स्वयं से वो कभी सोने नहीं दिया हूँ, शुरू से लेकर अभी तक जगा जी 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 बहुत के बहुत धन्यवाद है सर आपका। रखा नहीं सर, हम लोग का तो आवाज उठना ही चाहिए, बात समझे, बिल्कुल क्योंकि एकदम, बहुत बड़ा मैटर है सर, जी ये हम लोगों का टीचर से भी बड़ा मैटर है, और हाँ टीचर से भी बड़ा एग्जाम देकर, एलिजिबिलिटी टेस्ट देकर, जो जी हम लोगों का एग्जाम कंडक्ट कराया था वो जी तकनीकी आयोग करवाया था सर, और तीन जी तीन लिस्ट बन के तब फाइनल लिस्ट बना, तब हम लोगों को योगदान दिया। जी हाँ हम लोगों का एग्जाम देकर, उसके बाद फिर इंटरव्यू हुआ, उसके बाद सिलेक्शन हुआ, लिस्ट बना, टीचर से भी बड़ा प्रक्रिया हुआ था सर हम लोगों का। जी वो टीचर तो से तो कोई प्रक्रिया नहीं हुआ, आओ राम जाओ राम, फर्जी चिट्ठी लाओ राम, और नया नौकरी लो राम। हम हाँ लोग एकदम फ्रेश है, एकदम फ्रेश विद्यार्थी जी है, और हर क्षेत्र में सरकार के हर क्षेत्र में हम लोग कारगर हैं। हम लोग जी बिहार सरकार को अवार्ड मिला था, नीतीश कुमार को, जी जो जनगणना सरकार का सबसे मस्ट इम्पोर्टेंट काम जो होता है सर, जनगणना, जो हाँ जनगणना कर दिया वो दुनिया का हर एक काम कर सकता है, इतना टफ चीज होता है सर। हाँ अब तब सरकार हम लोगों को 10 साल से रोड पर टहला रही है, किसी भी विभाग में समायोजन कर दे, सारा पोस्ट खाली है, किसी को भी तो एग्जाम ही लेके रखना है ना, तो हम लोग तो एग्जाम पास है, तकनीकी इसी में तो आयोग के मामला एग्जाम पास फंसा है। अपनी बिहार सरकार से मेले मोहब्बत हम लोग करना है, हम तो महोदय को कहते हैं जो कहीं हम लोगों को सर रख दें, समायोजन करके सबका दाल रोटी दे ही रहे हैं, हम लोग का भी चला दीजिए, अब देखिए मेरा सर यही सब दिक्कत कुछ आते मिला सर। जुला गया है। सर तो आगे का जो आप लोग का रणनीति है क्या रहेगा आगे, आप क्या करेंगे आप लोग?
आगे धरना धरना एकदम चालू रहेगा, और ना अधिकारी ना, साहब जैसे तो हमारे साथ बोला कोर्ट है से तो ऑर्डर कि चालू रहेगा 1 तारीख से। कोर्ट से यही ऑर्डर तो तो आप लोग धरना के फेवर हम में है। लोगों को करेंगे, लेकिन सरकार अगर नहीं कुछ करेगी तब जी हाँ कोर्ट का ऑर्डर है, मानने में आने सुनिए का ऑर्डर है। निसार जी, हाँ बात को बदलिए नहीं, अस्थिर रहिए। जो राहुल यादव हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने जी कहा है ना 31 दिसंबर तक हम लोग देख रहे हैं, 7 जनवरी से जनगणना फिर शुरू हो जाएगा, हाथ लगाएगा तब। तो जब हाँ हाथ लगा देगा, हम लोगों को नहीं रखेगा तो हम लोग चुप थोड़ी बैठेंगे। क्यों नहीं रखेगा, कोर्ट का ऑर्डर है भाई। जब कोर्ट ऑर्डर दे दिए तो कोर्ट उच्च न्यायालय से कोई कोई चीज है बड़ा? ना ना, ये अरे तो सही आप बात है। सुनिए, एक बात बोले हैं, अगर रख दिया तो कोई बातें नहीं है, हाँ और नहीं रखेगा तो हम लोग अधिकारी यात्रा निकालेंगे। नहीं रखा जाएगा तो कोर्ट का अवहेलना होगा, फिर से रिट याचिका दायर होगा। ना ना, सरकार भी ऐसा कोई काम नहीं करेगा जो मतलब कोर्ट से अलग हो, कोर्ट के अंदर बिल्कुल, सही सरकार भी नहीं चाहेगी कि करेगा, कोर्ट लेकिन से अलग सरकार हो। करेगा कुछ ना कुछ करेगा। जी, हम लोगों को उम्मीद है सरकार से कि हम लोगों का अब काम हो जाएगा। ये कोर्ट के जी, जरिए जो फैसला आया है ये बहुत लेकिन और अच्छा भी है। उम्मीद लग रहा है, मुख्यमंत्री महोदय हमारे एजुकेटेड हैं, वो कुछ ना कुछ डिसीजन लेंगे, और जो भी डिसीजन लेंगे वो हम लोगों जी के हाथ में अच्छा ही डिसीजन लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग सरकार के साथ जी हाँ, तो कदम को सरकार के कदम फेवर मिलाकर में। चलेंगे। हम लोग सरकार के विरोध में नहीं है, कभी भी नहीं गए विरोध में, ना कभी जाए। कोई हम लोगों को चढ़ाएगा भी, हालांकि टीचर हम लोगों को बहुत चढ़ाया, और हमारा काम हम लोग किए हैं अच्छा, और बदनामी हमारे कर रहे हैं टीचर लोग। तो टीचर लोग से मतलब हम लोग को नहीं है, वहाँ भी समस्तीपुर में भी झंडा तोलन हम लोग नहीं किए थे, किया था टीचर, लेकिन बदनामी हुई हम लोगों की, आप लोग के बदनामी हुआ सर। तो इसलिए हम लोग उसका भोगना भोग चुके हैं। तो महोदय से मेरा यही गुजारिश है, सबका दाल रोटी जुगाड़ कर दिए हैं, हम लोगों के लिए भी दाल रोटी का जुगाड़ करते हैं, ताकि बाल बच्चा का भरण पोषण तो हो सके। बस दाल रोटी का हम लोगों का जुगाड़ हो जाए, ज्यादा उम्र कुछ जीत नहीं चुका है, मांगने। 45 से पार कर चुके हैं, 50 के नियरेस्ट है, 52, 53, 51 ऐसे है, 55 तो ये। जी सर ठीक है सर, मेरा चैनल जैसे है कि सरकार के आदमी भी कुछ कुछ लोग देखते हैं, हमें जैसे पता लगता है कमेंट वमेंट में, तो अगर ये वीडियो या फिर ये ऑडियो अगर कोई सुन रहा है जो सरकार का आदमी है, तो उन लोगों को भी ध्यान देना चाहिए कि मतलब इतने दिनों से सांख्यिकी स्वयं सेवक वाले वेट कर रहे हैं, है कि नहीं सर? बहुत दिन से हम लोग 2013 से लेकर अभी तक। और ऐसा कोई विधायक, ऐसा कोई सांसद बाकी नहीं जिनके हाथ में दो दो बार तीन तीन बार ज्ञापन आ गया हो, बिल्कुल बिल्कुल सर, सांख्यिकी है ना? विभाग में अपने चाहिए आज तक जितना भी लेटर है सब लेटर कहाँ है छिपा हुआ, कुछ मालूम नहीं चल रहा, छिप रहा है कोई पता नहीं चल रहा है, लेटर पे लेटर, सर लेटर पे अपने लेटर दिया। चैनल के माध्यम से ऐसा सरकार को मैसेज दिया जाए कि हम लोगों का काम जल्द से जल्द हो जाए, और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम लोगों को बहाली कर दिया जाए, समायोजन किया जाए। समायोजन किया जाए, जी यही सर हम लोग का। जी, यही उम्मीद तो मैं भी करता हूँ और आशा भी यही है। चीफ तो अभी सर, चीफ तो इतना खाली है, ब्लॉक में जी कंपाइलर का खाली है, पंचायत सेवक जो 14 पंचायत है उसमें एगो कर्मचारी है उसके पास खाली है, 13 पंचायत खाली है, मुखिया के साथ रहता है, इलीगल आदमी सब काम करता है, उस सब के साथ लगाया जाए, पंचायत सचिव के साथ लगाया जाए, काम तो इतना खाली है, एक एक ब्लॉक में खोजिएगा तो 7-7 हजार काम खाली है, खाली तो बहुत, लेकिन ये लोग भाभी नहीं कर रहे सर। सरकार के द्वारा ही बताया गया है कि सहकारिता विभाग अकेले है, चाहेगी तो 10 लाख लोगों को बहाल कर। सर हम लोगों का तो संख्या भी बहुत कम बचा हुआ है, तो अच्छा हम सर लोगों को आप अपने चैनल के माध्यम से बताइए कि सहकारिता विभाग का हवाला देते हुए पैनल को निरस्त किया गया था और अच्छा सरकार सर, इतना सीट खाली है। सर ठीक है, ये सब मैं बताऊंगा, और मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है मतलब राहुल जी से। राहुल हाँ सर बोलिए। जी, जैसे आपको तो मतलब कोर्ट की तरफ से कुछ मिला है कि नहीं, ये हाँ जो वो जो कोर्ट का डिसीजन वाला है वो वही कॉपी है मेरे पास। तो कॉपी का डिसीजन आप रखिएगा, अगर सरकार उसके विरोध में कुछ करती है तो फिर आगे कार्रवाई आप लोग कर सकते हैं कोर्ट की तरफ से। हाँ, हाँ बिल्कुल करेंगे हम लोग। तो कोर्ट की तरफ से तो आपको मान लीजिए एक हथियार मिल गया है कि नहीं? हाँ, तो यार मुझे हम लोग प्रशिक्षित है, हम लोग ट्रेनर आदमी घर में बैठे हुए, हम लोग का योजना केंद्रीकृत योजना था, स्पेशल बहाली हम लोग को किया गया था, जो जनगणना से संबंधित जितना भी वर्क होगा, आपको जो हम लोग को किताब मिला था उस किताब में हम यानी कि हम लोग देखे थे,
सारा कुछ लिखा हुआ है पंचायत में, ये पशु गणना, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, जाति आवासीय, जहाँ तक पंचायत का लेखा जोखा जो भी आय व्यय होता है, खर्च होता है, मुखिया के यानी कि वो लेखा जोखा है वो रखना, सारा काम हम लोग को करना था, लेकिन ये सब काम किसी और को दे दिया गया। ये सिलेंडर हम लोग जन्म प्रमाण पत्र बनाए, हम लोग जन्म प्रमाण पत्र बनाते थे 5 रुपया 10 रुपया में, अभी जन्म प्रमाण बनाने के लिए 200 रुपया 300 रुपया लिया जा रहा है, 1000 रुपया लेता है सर। आप बताइए ये तो सरकार क्या करवा रही है, ये तो भ्रष्टाचार सरकार ही ने करवा रही है जी। जबकि 50% हम लोग का पेमेंट जो था, 50% बिहार सरकार, 50% केंद्र सरकार। हाँ, अभी तक ये पैसा आ ही रहा। आप दिन पेपर में देखे होइएगा कितना करोड़ रुपया जो है सांख्यिकी विभाग में आया, 99,000 करोड़ रुपया। 99,000 करोड़ कर्मचारी पंचायत स्तर पर कोई है ही नहीं, क्या कहिए। अच्छा ठीक यही नीति है, ठीक है सर, ठीक है सर। मैं तो बैटरी इंतजार करते हैं, दिसंबर तक सरकार अगर कर देती है तो बहुत अच्छी बात है। हम लोग तो इतना दिन इंतजार ही करते आए हैं, इंतजार का भी हक होता है। मान के चलिए हम लोग का भी बाल बच्चेदार आदमी है, घर में बैठे हुए हैं, कोई रोजी रोटी तो है नहीं। राहुल जी सर से एक सवाल मेरा भी रहेगा जी, बोलिए। जैसे सरकार ने कहा कि योजना के अति हमारा काम खत्म हो गया तो इन लोगों को निरस्त कर दिया गया, तो सरकार जो आंकड़ा पे बात करती है विधानसभा सत्र में सवाल जवाब करती है, तो क्या वो आंकड़ा कहाँ से लाते हैं जब हम लोग भैया नहीं काम करने, मतलब काम ही खत्म हो गया आंकड़ा का, तो आंकड़ा वो लोग फिर लेके बतियाते कैसे हैं सर। तो आंकड़ा ये लोग किसी से लेते ही है, ऐसे थोड़ा कि अपने आप मिलता होगा। गलत जो है आंकड़ा देते हैं, तब ना तेजस्वी यादव जो है आवाज उठाए थे, तेजस्वी यादव के पास जो आंकड़ा था बेरोजगारी का है, जो ये पिछले सदन में जो उठाए थे आवाज, तो तेजस्वी जी के पास पूरा रिकॉर्ड अच्छा था, लेकिन इनके पास जो मंत्री दिए थे उनका जवाब गलत था। देखिए राहुल जी तुरंत पॉइंट को पकड़ लिए, हम क्या सर को पूछना चाह रहे थे जी, सर समझ ही रहे होंगे मेरे सवाल को। समझे वही बात है, आज आप देखिए ना, 7वीं आर्थिक जनगणना का जो वो वर्क आया था, ये बोले थे जो मोबाइल के ऐप से जनगणना होगा। बताइए किसी के घर में 7वीं आर्थिक जनगणना के लिए गया कोई आदमी? नहीं, कोई नहीं गया, कोई नहीं गया। 7वीं आर्थिक जनगणना हो गया समाप्त, जैसे 7वीं आर्थिक जनगणना समाप्त हो गया, हम लोग के घर में तो आया ही नहीं करने, रिपोर्ट भी बन गया, केंद्र सरकार के पास रिपोर्ट भी चला गया। और ये भारत सरकार को हम लोग जो आर्थिक जनगणना किए थे वो 6वीं आर्थिक जनगणना 1 महीना के अंदर में रिपोर्ट बना के दे दिए, और इससे ये साबित हुआ जो बिहार में कितना बेरोजगारी है, कितना कच्चा का मकान है, कितना यानी कि फूस का मकान है, इससे सरकार को बहुत वहाँ वो नीचा यानी कि देखिए, जब इतना करोड़ रुपया हम देते हैं बिहार में तो फिर ये घोटाला कैसे हो रहा है। शायद इसलिए हम लोग को अपना निराश हुआ कि क्या ये तो सरकार का एक वो समझेगा, समझे सर, यही बात सब है क्या। अब सरकार का ममता खत्म हो गया, अब हम लोग छूटने वाले नहीं है। देखिए हम लोग जो है 31 दिसंबर तक हम लोग इंतजार करते हैं, 31 दिसंबर के बाद जो है हम लोग रोड पे आ जाएंगे, और सांख्यिकी अधिकार और न्याय यात्रा और जातीय जनगणना विरोध यात्रा हम लोग निकालेंगे, पूरे 3800 जिला में निकालेंगे, और आम जनता को बताएंगे जो हम लोग के साथ कैसा सरकार अन्याय की। अच्छा ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।